और सुनाओ। हैं घूमने गए थे हैं, बहुत मजा आया होगा। अच्छा रुको 2 मिनट रुको, मैं अरे यार ये लाइट अपन पे है सारा जुगाड़। सोलर सौर ऊर्जा मेरे काम आई है दोस्तों। तो आज की वीडियो होने वाली है दोस्तों सोलर फ्लड लाइट पे। वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज हम जा रहे हैं एक ऐसे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने जो कि होने वाला है दोस्तों सोलर फ्लड लाइट। आपने सही सुना दोस्तों, सोलर फ्लड लाइट। फ्लड लाइट मींस ये वाली जो लाइट है दोस्तों, हम इसको किसी शेड के नीचे लगा सकते हैं, वेयर हाउस के अंदर लगा सकते हैं, हम अपनी गैलरी के अंदर लगा सकते हैं जहां पे अंधेरा रहता है, और वो भी सोलर हो सकती है दोस्तों, क्योंकि हमारे को इसके साथ मिलता है एक सेपरेट सोलर पैनल जो कि हम इंस्टॉल कर सकते हैं बाहर कहीं जहां पे सनशाइन अच्छे से पड़ती हो। और इसके साथ हमारे को मिलती है 5 मीटर की वायर भी, उसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं दोस्तों, ज्यादा नहीं कर सकते, 5 मीटर और कर सकते हैं। तो ये हम सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों बाहर, और ये लाइट कर सकते हैं हम इंस्टॉल अंदर, और इन दोनों को कनेक्ट कर लेंगे और बस हो गया काम। हम जो अंधेरी वाली जगह है उसको भी रोशन कर सकते हैं, वो भी सोलर की मदद से। है ना अमेजिंग प्रोडक्ट। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बॉक्स पे क्या क्या लिखा हुआ है और कैसे बॉक्स मिलते हैं हमारे को इसमें। तो इसमें हमारे को मिलने वाले हैं 2 बॉक्सेस। एक है ये वाला बॉक्स दोस्तों, जिसके अंदर आती है फ्लड लाइट, बैटरी इसके अंदर ही रहती है दोस्तों, और रिमोट कंट्रोल, और इसका जो इंस्टॉलेशन के लिए जो रॉड होती है वो सारी इसके अंदर होती है। इसमें सिर्फ मिलता है हमारे को सोलर पैनल और उसका ये जो अटैचमेंट होता है दोस्तों, जो उससे हम वॉल माउंट करेंगे, वो वाली चीज मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर ये वाली जो हमारी लाइट है दोस्तों, सोलर लाइट, ये हम अनबॉक्स करेंगे और इसके अंदर क्या क्या चीजें मिलती हैं वो हम देखेंगे। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये सोलर लाइट है, प्राइवेट स्ट्रीट लैम्प विदाउट इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, एलईडी होने वाली है। इसमें हम टाइम भी स्विच सेट कर सकते हैं, कितने टाइम के लिए जलानी है। इंटेलिजेंट लाइट कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल मिलता है, और ये सब चीजें मिलती हैं। और यहाँ पे एक पिक्टोरियल इसकी फोटो दिखाई हुई है दोस्तों, जिसके अंदर लाइट दिखाई हुई है और ये सोलर पैनल दिखाया हुआ है। अब मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूं दोस्तों, तो ये जो लाइट है फ्लड लाइट, ये 50 वॉट की होने वाली है, और जो ये सोलर पैनल है दोस्तों, ये 20 वॉट का होने वाला है जो इसको रिचार्ज करेगा। और इसके अंदर दोस्तों जो बैकअप है उसका, वो 10 से 12 घंटे का हमारे को इसमें बैकअप मिलता है फुल ब्राइटनेस पे, और हम रिमोट कंट्रोल से इसकी ब्राइटनेस भी चेंज कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इसको खोल लेते हैं। यहाँ से टेप लगी हुई होती है, उस टेप को हटा लेते हैं। तो हमने ये टेप हटा ली है दोस्तों, और इसको मैं निकाल लेता हूं बाहर, लाइट को मैं निकाल लेता हूं बाहर। 2-3 जगह से टेप लगी है दोस्तों, बहुत अच्छे से पैक हुआ हुआ है। तो मैं उसको खोल लेता हूं और फिर लाइट को निकाल लेता हूं बाहर। तो दोस्तों जब हम बॉक्स को खोलते हैं तो कुछ ये इस तरीके से दिखाई देता है हमारे को। इसके अंदर मिलता है हमारे को एक रिमोट कंट्रोल और एक एलन की मिलती है दोस्तों, इसको मैं रखता हूँ साइड में। और इसके साथ मिलते हैं हमारे को कुछ ये फास्टनर्स जो लाइट और सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए, वो रखता हूँ मैं इधर। और ये रही दोस्तों हमारी लाइट, और इस बॉक्स के अंदर कुछ नहीं मिलता। तो दोस्तों ये वाली लाइट आती है ल्यूमन सिटी कंपनी के द्वारा, ये मैन्युफैक्चर्ड है, और इसके अंदर जो हमारे को वारंटी मिलती है वो 2 ईयर्स मैन्युफैक्चरिंग वारंटी मिलती है। मीन्स अगर 2 साल में प्रोडक्ट खराब भी हो जाए, आप इनके कंप्लेंट नंबर पे आप कंप्लेंट रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो, वो आपके यहाँ से पिकअप कर लेंगे और फिर ठीक करके आपके यहाँ भिजवा देंगे। ये मिलता है दोस्तों एक यूजर मैनुअल, जिसके अंदर हमारे को कैसे कैसे सोलर पैनल लगाना है उसकी जानकारी इसमें दी हुई होती है, और कैसे कैसे हमें इसे कनेक्शन करने हैं। तो ये यूजर मैनुअल है, आप पढ़ सकते हो जब आपको लाइट मिले। ये कुछ आती है दोस्तों ऐसे, इस पे पॉलिथीन चढ़ी हुई थी, उसके बाद ये बबल रैप चढ़ा हुआ है, तो इस बबल रैप को भी मैं हटा लेता हूँ लाइट के ऊपर से। और उसके बाद यहाँ पे हमारे को लगा हुआ मिलता है दोस्तों एक थर्माकोल, क्योंकि यहाँ पे ग्लास होगा, इसकी वजह से ये प्रिकॉशनरी मेजर है, जिससे ये ग्लास सेफ रहे, उस पर स्क्रैचेस ना आए। और ये पन्नी भी मैं हटा देता हूँ दोस्तों। इसमें यहाँ पे जो इसकी वारंटी होती है वो इस वाले स्टीकर से क्लेम होती है, जहाँ जब ये मैन्युफैक्चर्ड होती है तो यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि कब मैन्युफैक्चर्ड हुई है और कौन से मंथ में हुई है, जिससे कि आप इसकी गारंटी क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों ये मैंने थर्माकोल हटा लिया है, तो ये मैंने थर्माकोल हटाया। तो दोस्तों ये मिलती है हमारे को 50 वॉट की लाइट, और यहाँ पे आप देख सकते हो ल्यूमन सिटी का लोगो लगा हुआ है यहाँ पे, और सोलर लाइट IP67। मीन्स अगर इसमें पानी गया तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ना ही है, इसके अंदर बस आपको इसको बाहर लगाना है, चाहे बारिश हो चाहे तूफान आए, ये लाइट आपकी खराब नहीं होगी। तो इसके साथ मिलता है दोस्तों ये हमारे को एक अटैचमेंट जो इसके अंदर लगा हुआ होता है, आपको यहाँ पे इसका साइज लेके वॉल पे फास्टनर्स
इंसर्ट करने हैं वॉल के अंदर, और इसको आप फिक्स कर सकते हो ऐसे भी और ऐसे भी, जिस तरीके से आपको जिस पोर्शन में लाइट चाहिए उस पोर्शन पर लगा के आप इसको ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसको मैं रख देता हूं दोस्तों अभी साइड में। इसके साथ हमारे को मिलती है एक वायर जो इसके साथ अंदर ही रहती है दोस्तों, ये रही, इससे हमारे को करना है सोलर पैनल कनेक्ट। तो लाइट को रख देता हूं अभी मैं साइड में, ये रहे इसके फास्टनर्स और ये रहा इसका रिमोट कंट्रोल। अब मैं निकालता हूं दोस्तों सोलर पैनल को बाहर। तो सोलर पैनल को जब मैं बाहर निकालता हूं तो मेरे को यहां से टेप हटानी पड़ेगी इस बॉक्स से, तो वो मैंने हटा ली है दोस्तों। लेट्स अनबॉक्स इट। तो इसके अंदर दो तीन चीजें मिलती हैं और इस बॉक्स के अंदर कुछ है क्या? अब इस बॉक्स में कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये रहा इस सोलर पैनल का वॉल माउंट, जो कि आप इसको यहाँ पे लगा के इसके साथ जो स्क्रूज आते हैं वो लगा के आप इसको वॉल माउंट कर सकते हो। तो इसको मैं रखता हूँ साइड में। सबसे पहले मैं हटा लेता हूँ इसके ऊपर जो बबल रैप होता है। तो ये बबल रैप हटा लिया दोस्तों मैंने, और इस पे लगा हुआ है पीछे की साइड थर्माकोल। ये रहा, बबल रैप भी हटा लिया मैंने। बहुत अच्छी पैकेजिंग है दोस्तों, मीन्स अगर लाइट की बात करें तो बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में हमारे को मिलती है। और ये रहा थर्माकोल, इस थर्माकोल को भी मैं साइड से हटा लेता हूं। ये रहा, तो ये थर्माकोल भी मैंने हटा लिया। अब सिर्फ हमारे पास सोलर पैनल है। अब सोलर पैनल के बारे में भी मैं बता दूं दोस्तों आपको, ये पॉलीक्रिस्टलाइन है, 20 वॉट का, 5 वोल्ट आउटपुट है, 4 एम्पियर करंट है इसका, और ओपन सर्किट वोल्टेज 6 वोल्ट है, शॉर्ट करंट आपका 4.8 एम्पियर है, पावर टॉलरेंस इसकी प्लस माइनस 3% है। तो ये वाला हमारे को दोस्तों सोलर पैनल मिलता है। और दूसरी बात बताऊं दोस्तों इसके अंदर, अब आप सोच रहे होगे कि ये लाइट के अंदर आपने ये सब चीजें तो बताएं, इसके अंदर कितने एम्पियर की बैटरी है वो तो आपने बताई नहीं। तो दोस्तों इसके अंदर अगर मैं बैटरी की कॉन्फ़िगरेशन बताऊं तो इसके अंदर आती है लिथियम आयन बैटरी जो कि है 3.2 वोल्ट एंड 24 एम्पियर की। तो बहुत होता है दोस्तों, ये पूरी रात आपकी निकाल सकता है इजीली, इतनी इसके अंदर है। और अब मैं बात करता हूं दोस्तों इस सोलर पैनल की, इसके साथ आती है 5 मीटर वायर जो कि आप कनेक्ट कर सकते हो इस लाइट के साथ। तो मैं इसको खोल लेता हूं जल्दी से और फिर कनेक्ट करके दिखाता हूं कि कितना ऑसम तरीके से लाइट वर्क करती है। तो एक तरफ से मैंने इसका रिबन खोल लिया है, अब दूसरी तरफ से भी खोल लेता हूं। तो दोनों तरफ से मैंने इसको खोल लिया, इनको रखता हूं साइड में। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप कि कितनी बड़ी इसके अंदर हमारे को वायर मिलती है ये। तो ये आप सोलर पैनल लगा सकते हो बाहर, आप देख सकते हो पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल है। यहाँ पे भी हमारे को ल्यूमन सिटी का लोगो मिलता है, आप देख सकते हो ल्यूमन सिटी, तो इसका लोगो मिलता है दोस्तों। ये आप बाहर इंस्टॉल कर सकते हो कुछ इस तरीके से कि ये आपने ये इसके साथ लगाया नट बोल्ट से, आपने इसको यहाँ पे कसा, इसमें पहले से ही छेद दिया हुआ है दोस्तों, इसको भी यहां से कसा, इसको वॉल माउंट पे इसको वॉल करा और इसको यहां से टाइट करके आपने सोलर लगा दिया। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी इंस्टॉल कर सकते हो। ऐसे करना ज्यादा फायदेमंद रहता है दोस्तों, क्योंकि आप इससे डायरेक्शन सेट कर सकते हो अपनी मींस सोलर पैनल की। तो ये कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाता है दोस्तों। और ये रहा सोलर पैनल अभी साइड में, और ये रहा इसका कनेक्टर, आप देख सकते हो इसके अंदर आप कनेक्टर को जैसे भी लगाओगे इसके अंदर कैविटी बनी हुई है वो एकदम सही पोलैरिटी के हिसाब से ही लगेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कहीं बढ़ाकर ना बोल जाए। अब आप जैसे ही देख सकते हो दोस्तों, जैसे ही मैंने इसमें कनेक्ट करा, इसके अंदर देखो अभी सिर्फ स्टूडियो की लाइट है और इस वाली लाइट में चार्जिंग शुरू हो चुकी है। देखो अभी आपको दो रेड लाइट जली हुई दिखाई दे रही है, थर्ड वाली हो रही है, और ये टोटल करते करते इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 लाइट होती है। मीन्स वो आपको बताएगा कि बैटरी अभी फुल चार्ज है नहीं है। तो इस समय बैटरी आधी चार्ज है उसका, यानी कि 50% से ऊपर वो चार्ज हो रही है। तो अभी मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है दोस्तों। अब मैं इसको देखो कैप चढ़ा देता हूं जिससे वाटरप्रूफ कनेक्शन हो जाए। और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस सोलर पैनल का लूंगा बॉक्स और मैं रख दूंगा इसको सोलर पैनल के ऊपर। देखा दोस्तों आपने, यानी कि इसकी लाइट इतनी तेज है कि मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा है इसके आगे, और आपको कैमरे में भी दिखाई दे रहा होगा बहुत ही तेज रोशनी है इसकी। अब मैं जैसे ही इसको इस वाले पैनल से हटाऊंगा तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो गई है। देखा आपने दोस्तों, है नहीं ऑसम फीचर? तो यानी कि इसमें डस्क और डॉन सेंसर हमारे को मिलता है, डस्क डॉन सेंसर, जिससे कि ये लाइट जलती है। अगर आपने सोलर पैनल बाहर लगाया हुआ है, रोशनी है, ये लाइट नहीं जलेगी। जैसे ही वहां पे अंधेरा होगा ये लाइट अपने आप ही ग्लो कर जाएगी विद इन सेकेंड्स। तो ये बहुत ही ऑसम चीज है दोस्तों। अब मैं इसको हटा लेता हूं
और ये हो जाएगी लाइट बंद और इसकी चार्जिंग लाइट हो जाएगी शुरू। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों इसके रिमोट कंट्रोल की। इसके अंदर मिलता है हमारे को एक ऑटो का बटन दोस्तों। ऑटो पे मतलब ये अपने आप ही, जैसे कि ये डस्ट डाउन वाला फीचर है, इस पर अगर आप ऑटो पे रखते हो तो अपने आप ही ये जैसे ही सुबह होगी ये बंद हो जाएगी और जैसे ही रात होगी ये चालू हो जाएगी। ऑटो फीचर ये वाला काम करता है दोस्तों। अगर मैं इसको दबाता हूँ तो दो बारी ब्लिंक करेगी ये और ये वो वाला मोड इसमें सेट हो जाएगा। अब इसमें 3 आवर्स का बटन है दोस्तों, 5 आवर्स का है, 8 आवर्स का है। तो इसका मतलब है कि अगर आप इसको किसी ऐसी पोजीशन पे लगा रहे हो जहाँ पे आपको सिर्फ लाइट का बैकअप चाहिए सिर्फ 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए या 8 घंटे के लिए, तो आप सेट कर सकते हो कि आपको इस जगह 8 घंटे का बैकअप चाहिए कि रात को 2 बजे के आसपास ये बंद हो जाए, तो आप इसमें 8 घंटे सेट कर सकते हो, वरना ये पूरी रात भर जलती है, 10 से 12 घंटे का बैकअप देती है। इसके अंदर दोस्तों 2 ब्राइटनेस के ऑप्शन मिलते हैं हमारे को। अगर हम सेल लगाएंगे इसके अंदर तो हम इसको 2 बारी दबाएंगे तो एक बार फुल ब्राइटनेस पे जलेगी, एक बार हाफ पे हो जाएगी। तो यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपके यहाँ ज्यादा रोशनी हो रही है और उसकी बैटरी सेव भी करना चाहते हो तो आप इसको हाफ ब्राइटनेस पे भी कर सकते हो। तो दोस्तों लाइट हो गई है बंद, अब आ गया है टाइम इसको ऑन करने का। तो मेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल, उससे करता हूँ मैं ऑन। हो गया ना उजाला ही उजाला। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये कितनी ब्राइट है और ये आप देख सकते हो कितनी दूर तक रोशनी जा रही है। इसको तो हमने कम हाइट पे इंस्टॉल करा लेकिन जो इसकी मिनिमम हाइट है वो है इसकी 5 to 6 meters। अगर उतने पे अगर हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है ये अपने शेड्स के अंदर लगाने के लिए, कार पार्किंग में लगाने के लिए, जहाँ पे आप सोलर पैनल बाहर लगा सकते हो और जैसे ही रात होगी तो इतनी ब्राइटनेस आपको मिलेगी 8 से 10 घंटे। दोस्तों बहुत ही ऑसम प्रोडक्ट है ये मेरी नज़रों में। और इससे मैं अपने रिमोट कंट्रोल से चेंज भी कर सकता हूँ, ब्राइटनेस कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ। आप देखो देखो ये सबसे कम ब्राइटनेस हो गई ना। अगर आपको इतने की रिक्वायरमेंट है तो ये पूरी रात भर जल सकती है और ये भी सफिशिएंट है। अगर आप आउटस्कर्ट्स में रह रहे हो इतनी रोशनी भी सफिशिएंट है दोस्तों। अब मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ इस रिमोट कंट्रोल से। देखो अब मैं दोबारा दबाऊंगा उसी बटन को, ये बढ़ी थोड़ी सी और, ये और बढ़ी दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा ब्राइट हो चुकी है, देख रहे हो आप। जब मैं इसको 2 बारी दबाता हूँ और ये डबल ब्लिंक करती है, मीन सबसे ज़्यादा ब्राइट हो गई है। और इसको कम ब्राइटनेस करना चाहता हूँ तो मैं इसको कम इतनी ब्राइटनेस पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ। तो इसके अंदर हमारे को मिलते हैं 2 मोड, एक कम ब्राइटनेस का, ये है कम ब्राइटनेस और ये वाली है ज़्यादा ब्राइटनेस। तो आप क्योंकि कौन सा आपके लिए फिजिबल है और वो वाला ऑप्शन पर आप इसके से कैरी ऑन कर सकते हो। और इसके अंदर जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, इसके अंदर टाइमर मिलता है 3 घंटे, 5 घंटे और 8 घंटे का। तो उस हिसाब से आप इसके अंदर टाइमर सेट कर सकते हो कि जैसे ही अगर रात हुई तो मेरे को 6 घंटे जलानी है, तो मैंने 6 घंटे या 5 घंटे पे सेट कर दिया। इसे एक बार ब्लिंक करेगी जिससे कि ये जो आपने यहाँ से कमांड दी है वो एक्सेप्ट कर लेगी, तो वो ब्लिंकिंग से आपको शो करेगी। और अगर रात को आपको लाइट नहीं चाहिए तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हो और ऑन भी कर सकते हो सिर्फ इससे। आना धमाकेदार प्रोडक्ट दोस्तों, और वो भी कम्प्लीटली सोलर पे डिपेंडेंट। आपको किसी भी एक्सटर्नल वायर इलेक्ट्रिसिटी की लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप गांव या फिर आप कहीं पे भी जाइए, अपने शेड के अंदर लाइट लगानी है, बिजली का बहुत झंझट रहता है, तार खींचनी है, ये खींचनी है, वहाँ मीटर से लेके आनी है, कोई झंझट नहीं। सिर्फ सोलर पैनल बाहर लगाओ, वहाँ से एक तार आएगी इस लाइट में और कोई वायरिंग इसमें नहीं। तो दोस्तों ये रही लाइट। अब देखो मैं वहाँ पेड़ पे मार के दिखाता हूँ, देखो वहाँ तक रोशनी जा रही है, देख रहे हो। एकदम से घूम कर दूंगा तो एकदम अंधेरा हो गया। और वो देखो, ये देखो पीछे हमारे एक भूतिया हवेली। ये देखो दोस्तों मैं रोशनी दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो बंद। ओ माय गॉड, ओ एटे मौज कर दी। मैं तो इसको सर पे लेकर चलूंगा, ढिचक 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 ढिच। मजा आ गया ना। ये देखो कितना अंधेरा है यहाँ पे, अभी यहाँ पे उजाला करूँ? देखा आपने, रोशन कर दिया मैंने हर जहाँ। अब ऑफ कर दूँ? दोस्तों ये मेरे टमाटर है, मेरे नहीं यानी कि इस प्लांट के टमाटर हैं, ये भी मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये देखो अब ये लाल होंगे फिर हम इन्हें खाएंगे। तो अब चलते हैं वापस स्टूडियो, वीडियो करते हैं कंक्लूड।
तो दोस्तों थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद मोर अमेजिंग प्रोडक्ट्स। बाय बाय।